नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वंडरिंग अमित में, जिसमें मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें, योगा से जुड़ी हुई बातें करता हूं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं लो ब्लड प्रेशर के बारे में। लो ब्लड प्रेशर यानी कि जो ब्लड का प्रेशर है वो जब हमारी आर्टरीज में ठीक से नहीं होता है तो वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, हमारे ब्रेन तक खून सही से नहीं पहुंच पाता है। तो जब सही ढंग से, सही प्रकार से हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर के पूरे हिस्से में जब सही से खून नहीं पहुंचता है तो हमारे शरीर में हमें लेजीनेस, हमें आलस जैसा लगता है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, हम सही से कहीं पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ना पढ़ाई में, ना किसी काम में। इसके साथ साथ हमें थकान बहुत जल्दी महसूस हो जाती है। हम थोड़ा सा चलते हैं, हमें थकान महसूस हो जाती है। हम सीढ़ियां एक बार दो बार चढ़ते हैं, हमें थकान महसूस होती है। सर में चक्कर सा आता है, हम मायूस रहते हैं, हम बहुत दुखी रहते हैं, हमें किसी चीज में खुशी, हमें किसी चीज में उल्लास नहीं दिखता है, हैप्पीनेस, कोई एक्साइटमेंट नहीं नजर आती है। ये सारे लक्षण हैं लो ब्लड प्रेशर के। 5 योगा आसन जो हम अगर रोज प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे जो हमारे लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। आइए जानते हैं ये 5 योगासन कौन से हैं। तो हमारा सबसे पहला आसन है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए हम अपने पैरों को पद्मासन में लगा लेंगे। अब अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर, हमारे दोनों फीट एक दूसरे के ऊपर अच्छे से, हमारी थाई आगे की ओर, हमारे घुटने नीचे मैट की तरफ, अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, अपनी कलाइयों को पकड़ेंगे पीछे से और फिर पूरा इनहेल करेंगे अंदर, सांसों को अच्छे से अंदर भरते हुए और उसके बाद एक्सहेल करते हुए, सांसों को छोड़ते हुए आगे की ओर हमारे जो हील्स हैं और हमारा पेट एक दूसरे से टच होता हुआ हम आगे और नीचे की ओर आएंगे, अपने सर को नीचे लगा दें। इस आसन में हम अपने आप को 5 से 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, धीरे धीरे इस समय अवधि को बढ़ा सकते हैं। हमारा दूसरा आसन है शशांक आसन। शशांक आसन के लिए हम अपने मैट पर, अपने घुटनों पर आए और पीछे होते हुए आराम से अपने हील्स पर बैठे, अपने हाथों को साइड से पूरा ऊपर की ओर उठाते हुए इनहेल करेंगे और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए अपने पेट को आने दें, अपने थाइस पर नीचे की ओर जाएंगे और अपने हिप्स को पीछे, अपने हील्स के ऊपर रखना है, अपने चिन को, अपनी नोज को नीचे, शशांकासन। हमारा तीसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम शशांक आसन से ही उठते हुए धीरे धीरे आगे भुजंग आसन की ओर जाएंगे। तो आप शशांक उस आसन में जब है तो आपके जो हाथ हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर, ताकि आपकी बॉडी उठते हुए आगे आएंगे, अपने चेस्ट को, अपनी पूरी बॉडी को नीचे लाते हुए अपने चेस्ट को आगे और ऊपर की ओर देखें, पीछे की ओर अपने पेट को नीचे की ओर जाने देंगे, शोल्डर्स डाउन, नेक अप, पेट को अपना जितना आगे और हमारी गर्दन पीछे की ओर, भुजंगासन। वापस शशांक आसन में आते हुए और फिर उठ के बैठ जाएंगे। हमारा चौथा और पांचवा आसन सर्वांगासन और हलासन। तो इसमें हम सबसे पहले सर्वांगासन में जाएंगे और सर्वांगासन से ही फिर हम सीधे हलासन में जाएंगे धीरे धीरे। तो इसके लिए हम अपने मैट पर आराम से लेट जाएं सीधा, अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाते हुए, अपने कमर पर अपने हाथ को रखते हुए धीरे धीरे हम अपने पूरे शरीर को सीधा करेंगे, अपने गर्दन, अपने शोल्डर्स तक पूरा अपने आप को सीधा थोड़ी देर इसी अवस्था में होल्ड करेंगे और फिर अपने पैरों को पीछे अपने सर के आगे लगाएंगे। ये है हलासन। हलासन में थोड़ी देर वेट करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस नीचे। तो ये थे आसन 4 और 5, सर्वांगासन और हलासन। तो
तो इसमें भी हम अपने आप को 10-10 सेकंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे अपनी समय अवधि को बढ़ाते रहेंगे। इन 5 आसन को अगर आप रोज आधे घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो लो ब्लड प्रेशर है उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इन 5 आसनों को करने के बाद शवासन, जो कि एक रिलैक्सिंग पोज है, रिलैक्सिंग आसन है, वो बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ये 5 आसन कर लें उसके बाद आप कम से कम 5 मिनट के लिए अपने आप को मैट पर पूरी तरीके से आराम से लिटा दें। आपके जो पाम्स हैं फेसिंग अपवर्ड्स टूवर्ड्स द स्काई, अपने हाथों को अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखना है। पूरी तरीके से अपने आप को फ्री छोड़ते हुए, ये हमारे शरीर में कोई जान नहीं है, अपने सिर्फ सांसों पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे लंबा गहरा सांस अंदर, धीरे धीरे लंबा गहरा सांस बाहर। अपने पेट को, अपने लंग्स को, अपने शोल्डर्स को पूरा उठते हुए एक्सपैंड होते हुए महसूस करें, उसको फील करें। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सहेल कर रहे हैं, आपके शोल्डर्स, आपके लंग्स, आपका पेट नीचे की ओर, स्पाइन की ओर जाता हुआ पूरी तरीके से रिलैक्स। 4-5 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो शवासन में ध्यान रहे कि हमें सोना नहीं है, हमें सिर्फ अपने शरीर को महसूस करना है, अपने शरीर के हर एक पार्ट्स को, अपने शरीर के हर एक मसल्स को हमें आराम देना है। सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। तो सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, एक बहुत ही अच्छा योगासन है, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, यह आपके ब्लड प्रेशर पे ही नहीं आपके पूरे जीवन पर असर डालेगा। पर ध्यान रखें, सूर्य नमस्कार हाई ब्लड प्रेशर में कभी नहीं करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ऑन लो ब्लड प्रेशर पसंद आया होगा। दूसरे लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद।